कौन है? क्लास फर्स्ट ईयर ए, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, टॉपिक है रिलेशंस एंड फंक्शन, संबंध ऑफ कॉलन, एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्स प्लस एक्स अपॉन 3+1 कॉमा वाई माइनस 2/3 ए इक्वल टू 5/3 कॉमा 1/3। तो एक्स और वाई के मान ज्ञात कीजिए, तो वैल्यू ऑफ एक्स एंड वैल्यू ऑफ वाई दोनों के मान ज्ञात करने हैं, क्योंकि क्रमिक युग्म क्योंकि क्रमिक युग्म समान है, युग्म समान है इसलिए संगत घटक भी समान होंगे। इसलिए संगत घटक भी समान होंगे। अब करेंगे क्या? सबसे पहले एक्स अपॉन 3+1 = 5/3 यहां से वैल्यू ऑफ एक्स 3 = 5/3 -1 एलसीएम लिया, 1 और 3 का एलसीएम 3, 5 - 3 एक्स अपॉन 3 = 2/3 3 से 3 कैंसिल, वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल टू 2। इसी प्रकार सेकेंड वाई माइनस 2/3 = 1/3 वैल्यू ऑफ वाई 1/3 ट्रांसफर किया तो 3 को तो माइनस का एक प्लस का हो गया 2/3 एच एम या 3 1+2 ये हुआ आपका 3/3 3 से 3 1 हुआ वैल्यू इक्वल टू 1। क्वेश्चन नंबर 3 गिवन दिया हुआ है g = 7.8 h = 5, 4, 2 तो यहाँ से हमें जी गुणा ए उसी प्रकार एच गुणा जी इन दोनों के हमको वैल्यू ज्ञात करनी है। जी गुणा एच इज इक्वल टू 7.8 गुणा 5, 4, 2 इसको हम अलग अलग क्रम में लिखेंगे। मजला कोष्टक पहले हम 7 का सभी रो में गुणा करेंगे, 7.5, 7.4 इसी प्रकार 7.2 फिर हम 8 का करेंगे 8.5, 8.4, 8.2 जी गुणा एच इसके बाद एच गुणा जी
एक्स की मान है 5 4 2 मल्टीप्लाई बाय 7 8। अब इसी प्रकार पहले हम 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 7 5 8 इसके बाद से 4 7 4 8 आइयो 2 7 के बाद 2 8। क्वेश्चन नंबर 5, यदि a इक्वल टू देता है -1 1 तो a गुणाए गुणाए का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले हम a गुणा a, a को हम गुणा लिखेंगे -1 1 मल्टीप्लाई बाय -1 1। पहले हम -1 का करेंगे, ये हुआ -1 -1 फिर -1 1। इसी का 1 का करेंगे तो 1 -1 1 1। इसके बाद फिर हम ट्रिपल a गुणा इक्वल टू, पहले हमने वैल्यू लिखी a की -1 1 मल्टीप्लाई बाय a गुणा a, कोष्टक में -1 -1 -1 -1 1 -1 1 1। सबसे पहले आप -1 का लास्ट में संख्या दे रखी है, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ये हुआ -1 -1 -1। फिर इसके बाद -1 -1 1 फिर -1 1 -1 फिर -1 1 1। इसके बाद 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 -1 -1। इस प्रकार 1 -1 1 1 1 -1। इसके बाद 1 1 1। क्वेश्चन नंबर 7, ये हुआ हमारा a गुणा 5
इक्वल टू 5 RHS and A गुणा B। A के अलग है 1, 2 गुणा B के अलग है 1, 2, 3, 4। अब इसमें लिखने का तरीका क्रमिक युग्म की तरह है। पहले हम 1 का गुणा करेंगे 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4। इसके बाद हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2, 1, 2, 2, 3, 2, 4। इसी प्रकार 3 गुणा C। पहले हम A के अंदर लिखेंगे 1, 2 मल्टीप्लाइड बाय C, C के 5, 6। पहले मल्टीप्लाई करेंगे 1, 5, 1, 6, 2, 5, 2, 6। अब हम इंटरसेक्शन करेंगे इनको। A गुणा B इंटरसेक्शन A गुणा C इक्वल टू। अब इन हम देखेंगे इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि सामने इनमें कौन सी संख्या हमारी समान है। जब समान नहीं होती तो उसको मानते हैं फाइन। एच एस इज इक्वल टू आर एच एस।